देवास जिले के खातेगांव में शासकीय चिकित्सक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर के द्वारा जिंदा बच्चे को मृत घोषित करके घर वालों को पॉलिथीन में पैक करके दे दिया। जब घर वालों ने बच्चे को ले आकर घर पर देखा तो बच्चे के हलचल देख परिवार वाले हक्के बक्के रह गए और बच्चे को वह सीधे जिला चिकित्सालय ले पहुँचे। बच्चे को हरदा रेफर कर दिया गया है। जिला देवास के सतवास में शासकीय डॉक्टर मेघा पटेल का सतवास में प्राइवेट अस्पताल भी है। डिलीवरी के लिए सतवास की रहने वाली एक महिला रिहाना डिलीवरी करवाने के लिए अस्पताल पहुंची थी और नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई, लेकिन डॉक्टर ने जिंदा बच्चे को मृत घोषित कर बच्चे को घर वालों को पॉलीथीन में पैक करके दे दिया। जब घर वाले बच्चे को लेकर घर पहुंचे और दफन करने की तैयारी चल रही थी कि बच्चा हिलने लगा। घर वालों को लगा कि बच्चा जिंदा है। वह लोग वापस डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर पहुंचे तो देखा कि बच्चा जिंदा था। उसको हरदा हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक डॉक्टर को यह नहीं पता कि बच्चा जिंदा है या मृत हो गया। यह तो मरीज के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसा कई बार इस हॉस्पिटल में हो चुका है। डॉक्टर मेघा पटेल ने अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं है और इनके ऊपर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। जनता में काफ़ी आक्रोश नजर आ रहा है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। मुंह बताओ, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ हमारे लड़के को हमने 6 बजे ले गए पटेल मैडम खान, मेघा पटेल खान, वो मैडम खान है माँ लेके हमसे। तो छोरी को देखी उनने तो के देवास लिख के दे दू, तो इनने की के देवास मैडम मतलब लिखो के बच्चा सामने आगा, तुम्हारा इलाज है। हाँ, तुम्हारा इलाज है। इलाज उनने करी अपने बच्चे का 7-8 महीना आएगा। अच्छा। 7 महीने तक इलाज उसका ही चला। अब इसके बाद में फिर उनने की इसके के तो ये तो फिर हमको 10,000 रूपए दो। हाँ। तो इनने की इसके के उसके पापा 200 रूपए रोज में मजदूरी जा रहे, जरा जरा से उनके लड़के हैं, जब वही कोई काम नहीं चल रहा है ये लॉकडाउन में। डिलीवरी में कितने पैसे लिए आपसे? तो हमने 6,000 रूपए लिए। 6,000 रूपए मतलब 10,000 रूपए हमने 6,000 रूपए हमारी गरीबी बता के। हाँ। और हमने 6,000 रूपए दिए उनको। फिर बच्चे का क्या बताया? मतलब उन्हें लेने के बाद में भी छोरी को कोई देखी नहीं, डिलीवरी छोरी की आप रूपी हो गई। अच्छा। आप रूप होने के बाद में साइड में थी बाई होन के मैडम को तो बुलाओ, इसके मैडम को बुलाओ, बच्चा सामने ही आगा। मैडम गई और उनने बच्चा देखी और फटाक से पन्नी में लपेट के और उसके जैसे छोरी के भी कपड़े थे खराब। अच्छा। उसके आवाल भी नहीं उनने। अच्छा। अलग रखी ना उनने नाला काटी और सारा कपड़े खराब आवाल वावल सब बच्चे को मूर्ति घोषित कर दिया। हाँ, मतलब इसके तुम्हारा बच्चा ले जाओ। अच्छा। खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब हमने वो बच्चा उनने इनने पन्नी दी, पन्नी दी तो हमारे पास रखे। इनने बोले इसके को उसके पापा को दे दो, मैंने पापा को मत दे। हाँ। उसका नाना आ रहा है, वो पन्नी ले जाएगी। अब हमने घर पन्नी लाए, 1 घंटा बाद ये तो चला गया गड्ढा खोदने। गड्ढा खोदने चला गया तो एक और दूसरी तो गड्ढा मत खोद के उनके घर के लोग उनको पन्नी क्यों ससुराल के आन दो। अब वो ला के पन्नी हमने घर रख ली, घर रखे सब लोग बैठे। जब वो पन्नी हली और ऐसे फड़ फड़ पन्नी करी, बच्चे का गड्ढा खोद लिया दफनाने के लिए। मतलब दफनाने के लिए गड्ढा खोद लिए थे। अच्छा। गड्ढा खुदा ही है जी। अब इसके बाद में उनने माँ से इन्हें पीछे बुला लिया, इन्हें सब लोग ने क्या जान दो उसके घर वाले को, तो घर वाले को आन दो, कल को अपन से कह देगा तुमने बच्चा हमारा दफना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो बतूल है। बतूल। हाँ। तुम्हारी छोरी की? मेरी छोरी रियाना है। उसकी डिलीवरी हुई है ना? छोरी की डिलीवरी। कितने? 6,000 रूपए लिए मैडम? 6,000 रूपए लिए मेरे से मेघा पटेल। हाँ, मेघा पटेल ने। उन्हें 10,000 की बोली पर हमने गरीबी देख के उन्हें 6,000 लेने के बजे मेरी बच्ची को उन्होंने देखी। अच्छा, आपकी डिलीवरी कितनी गाड़ी हुई? 6 बजे हुई थी ना, और 6 बजे बच्चे की मूर्ति खोदित बता दिया। हाँ। अच्छा, अब बच्चा कहाँ है? अस्पताल में। अस्पताल भर्ती है ना, और डिलीवरी कहाँ पर हुई? अस्पताल अस्पताल मेघा पटेल घर पे हुई ना? कमरे पे हुई है ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।